जिले के बावना सेक्टर 3 में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर की 15 गाड़ियां मौके पर, कैट्स की 3 गाड़ियां और पुलिस मौके पे। फैक्ट्री में कुकर बनते थे, रात करीबन 12:30 बजे लगी भीषण आग। कूलिंग का काम अभी भी जारी। बीती रात दिल्ली के बावना इंडस्ट एरिए की एक बर्तन बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। स्टील के बर्तन बनाने की फैक्ट्री में करीबन 12:30 बजे आग लगने की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। दमकल भी बाकी गाड़ियां मौके पर पहुंची तो फैक्ट्री के 2 मंजिल में आग लगी हुई थी और फैक्ट्री धू-धू कर जल रही थी। दमकल की 15 गाड़ियां रात से सुबह तक मशक्कत करती रही। सुबह 9 बजे आकर यह आग कंट्रोल में हुई है। फिलहाल आग को बुझा दिया गया है। गनीमत रही कि रात के वक्त फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा था, इसलिए मजदूर और दूसरे कर्मचारी मौजूद नहीं थे, इसलिए जान माल का नुकसान होने से बच गया, लेकिन लाखों का माल जलकर जरूर राख हो गया। आग लगने से पूरी बिल्डिंग भी जर्जर हो गई है, जो किसी भी वक्त गिर सकती है। फिलहाल यहां आग को बुझाने के बाद कूलिंग का काम जारी है। आग किस कारण लगी यह जांच का विषय है। फिलहाल फायर का पहला मकसद आग को बुझाना था, उसके बाद ही कारणों की जांच हो पाएगी। कॉल तो जो नजदीकी स्टेशन उसको ये मिली थी कि फैक्ट्री में आग है। आते ही पता चला कि फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे आग फैली हुई है। कुकर बनाने की फैक्ट्री है, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, बर्तन भांडे जिसको बोलते हैं, वो बनाने की फैक्ट्री है। हमने ग्राउंड और बेसमेंट को बचाया है, आग को फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे कंटेन कर दिया और आग बुझा दी। सर कितनी गाड़ियां मौके पर थी, कितनी गाड़ियां आई हैं? गाड़ियां मेरे हिसाब से 8-10 होंगी गाड़ियां, 12 भी हो सकती हैं, टोटल मुझे पता नहीं एग्जैक्ट डिटेल, लेकिन गाड़ियां हमारे पास पर्याप्त थी। सर रात में किस टाइम कॉल आई थी आपके पास? इनिशियल टर्नआउट हमें तो मेक 4 कैटेगरी पे भेजा गया है। तो सर जैसे कि देखा जा रहा है बिल्डिंग बिल्कुल टूटने की तादार पे है, डैमेज हालत में है, इस सिचुएशन में फायर के भी बंदे घुसे थे उसके अंदर, उसका रिस्क क्या होगा? रिस्क तो है, बिल्डिंग डैमेज हो गई है, बता रहे हैं कि बीम भी उसमें डैमेज हुए हैं। हम एक्सट्रीम प्रिकॉशंस ले रहे हैं और सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं, और आग लगभग कम्प्लीटली बुझ गई है। थोड़ा सा उसमें धुआं है, वो धीरे धीरे ख़त्म करके ही हम जाएंगे।